हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्यकांत साहू है और मैं आज आपको बताऊंगा लीनिंग के चार टॉपनर बैडमिंटन रैकेट सीरीज एंड कौन सा सीरीज आपके लिए बेटर रहेगा। तो गाइज, ये सीरीज पेटेंट है लीनिंग की तरफ से, तो ये चार सीरीज आज हम डिस्कस करेंगे, टर्बो चार्जिंग, 3D कैलिबर, एरोनॉट एंड टेक्टोनिक। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो गाइस, जो मेरा पहला सीरीज है वो लीनिंग का टर्बो चार्जिंग सीरीज है। सबसे पहले मैं इसकी फ्रेम की बात करूँ तो ये हमें ट्रैपेज़ॉइडल फ्रेम कंस्ट्रक्शन देता है जो प्रोवाइड करता है बहुत अच्छी स्विंग स्पीड एंड फास्ट रिएक्शन। तो गाइस, ये उन प्लेयर लोग के लिए अच्छा है जिनको रैपिड अटैक खेलना पसंद है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्किल देता है हमें। तो गाइस, इसकी कीवर्ड की बात करूँ तो फास्ट का कीवर्ड है एंड ये सीरीज यूज बाय पीवी सिंधु जी। तो गाइस, जो मेरा सेकंड सीरीज है वो लीनिंग का 3D कैलिबर है। सबसे पहले मैं इसकी फ्रेम की बात करूँ तो हाईटेक ज्योमेट्रिक फ्रेम देता है जो रिड्यूस करता है एयर रेजिस्टेंस को एंड प्रोवाइड करता है फास्ट स्विंग स्पीड फॉर बिगर स्मैशेस। तो गाइस, बेसिकली ये रैकेट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको पावरफुल गेम खेलना, ऑफेंसिव गेम खेलना पसंद है फ्रॉम बैक ऑफ द कोर्ट। तो गाइस, इसका बेसिकली इसका कीवर्ड मैं बताऊँ तो इसका पावरफुल इसका कीवर्ड है। जो मेरा थर्ड सीरीज है वो लीनिंग का एरोनॉट सीरीज है। सबसे पहले मैं इसकी फ्रेम की बात करूँ तो जैसे कि आप इसके फ्रेम में देख सकते हो यहाँ होल्स है, तो ये एयर स्ट्रीम चैनल है। तो गाइस, आई थिंक ये बैडमिंटन हिस्ट्री में पहली बार होगा कोई रैकेट में होल्स है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके एयर रेजिस्टेंस को कम करता है तो जब आप शटल को हिट करते हो, ठीक है, तो आपका जो रैकेट का जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पावर और कंट्रोल भी मिलता है। तो गाइस, इसका कीवर्ड है कंट्रोल। सो गाइस, जो मेरा फोर्थ सीरीज है वो लीनिंग का टेक्टोनिक सीरीज है। सबसे पहले मैं इसकी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये हमें विंग स्टेबलाइजर टेक्नोलॉजी देता है जो बेसिकली एविएशन में यूज़ होता है, जो हमें अननेसेसरी वाइब्रेशन से बचाता है। जब आप शटल को हिट करते हो तो आपको इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम फील देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके शाफ्ट की बात करूँ तो फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है। और यहाँ एक और देखने वाली बात है कि हमको फ्लेक्सिबल शाफ्ट तो मिल जाता है हर रैकेट में, लेकिन जब इसका जब हम हेड को देखेंगे तो हमारे हेड में भी आपको यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जो प्रोवाइड करता है हमें फास्ट स्विंग स्पीड विथ हाई रिपल्सन पावर। साथ ही साथ जब आप इसमें स्मैश मारते हो, क्योंकि ये इसका जो हेड है वो फ्लेक्सिबल होने के कारण आपका जो स्मैश है वो डीपर भी जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका की वर्ड है स्विफ्टनेस एंड ये सीरीज यूज बाय श्रीकांत। सो गाइज, अभी मैंने आपको लीनिंग के चार टॉप नॉच बैडमिंटन रैकेट सीरीज के बारे में बताया। हर सीरीज में आपको चार कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे, ड्राई, बूस्ट, कॉम्बैक्ट एंड इंस्टिंग। तो चलिए मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताता हूँ और वो सब डिटरमाइन करते ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट, बैलेंस पॉइंट एंड शाफ्ट के बारे में। सो गाइस, जो मेरा पहला कैटेगरी है वो ड्राइव कैटेगरी है। सबसे पहले मैं इसके शाफ्ट की बात करूँ तो स्टिफ शाफ्ट देता है जो हमें जो अनबैंड बहुत जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो एक हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट है। हेड डिज़ाइन हमें इलास्टिक हेड डिज़ाइन यहाँ देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये उन प्लेयर लोग के लिए अच्छा है जिनको फास्ट डिफेंसिव गेम खेलना पसंद है एंड रैपिड रिपल्सन पावर के साथ। सो गाइस, जो मेरा सेकंड सीरीज है वो कॉम्बैक्ट है। सो गाइस, इसमें आपको मैक्सिमम हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट दिखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये रैकेट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको पावरफुल गेम खेलना पसंद है, ऑफेंसिव गेम खेलना पसंद है, शॉट्स लाइक स्मैशेस एंड ऑल। सो गाइस, जो मेरा थर्ड कैटेगरी वो बूस्ट है। तो सबसे पहले मैं इसके शाफ्ट की बात करूँ तो आपको इसमें मैक्सिमम मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिल जाएगा एंड बैलेंस पॉइंट इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है। तो गाइस, ये उन प्लेयर लोग के लिए अच्छा है जिनको पावरफुल गेम खेलना भी पसंद है और साथ साथ कंट्रोल भी पसंद है। तो ये आपको दोनों मिलेगा इसमें। सो गाइस, जो मेरा फोर कैटेगरी वो इंस्टिंक्ट है। सो गाइस, इसमें आपको जितने रैकेट मिलेंगे वो लेस देन 80 ग्राम के मिलेंगे। सो गाइस, लाइट वेट होने के कारण इसे एक्सट्रीमली हेड हैवी बनाया गया है जिससे आपको फास्ट अटैकिंग टाइप का गेम स्टाइल मिलेगा अलॉन्ग विद एग्रेसिव स्पीड एंड एजिलिटी। सो गाइस, अब मैं आपको नंबरिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। जो टेक्टोनिक सीरीज है वो सिंगल डिजिट नंबर सिस्टम इस्तेमाल करती है, टर्बो चार्जिंग 2 डिजिट नंबर सिस्टम, 3D कैलिबर 3 डिजिट नंबर सिस्टम एंड एरोनॉट 4 डिजिट नंबर सिस्टम। तो जैसे जैसे ये नंबर सिस्टम बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा क्वालिटी भी रैकेट का बढ़ते जाएगा और प्राइस भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और अगर रैकेट के नंबरिंग सिस्टम के बाद अगर DCBI अगर लिखा हुआ रहता है तो वो डिटरमाइन करता है ड्राइव, कॉम्बैक्ट, बूस्ट एंड इंस्टिंक्ट कैटेगरी को।